नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे शादी में होगा गठबंधन। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी है। अब आप कहेंगे शादी है, इस पर पॉलिटिकल डिबेट की क्या आवश्यकता है? दरअसल आवश्यकता है इसलिए क्योंकि खबर है कि शादी के बहाने राजभर बीजेपी से रिश्तों की डोर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पीएम को भेजा हुआ राजभर का न्योता सोशल मीडिया पर वायरल है, जो उसके बाद इस निमंत्रण पत्र ने निमंत्रण दिया इस चर्चा को करने का, क्योंकि ये भी जानने की कोशिश की क्या सुबह सपा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ हाथ मिलाना चाहती है क्या। 13 जून को राजभर के बेटे अरुण का रिसेप्शन है। अटकलें लग रही हैं कि इस रिसेप्शन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम मंत्री पहुंचेंगे और इसके बाद ही अखिलेश यादव, मायावती, सोनिया गांधी को भी न्योता दिया गया। अब वो आते हैं नहीं वो बात और है, लेकिन कयासों के मुताबिक क्या बीजेपी से रिश्तों की डोर मजबूत करने में जुटे हैं ओम प्रकाश राजभर? और सवाल ये भी है कि क्या राजभर के पुत्र की शादी में होगा भाजपा सुभासपा का नया बंधन? और अगर होता है तो क्या निषाद पार्टी अपना दल को भाजपा सुभासपा का ये साथ रास आएगा भला? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं आप, लेकिन उससे पहले सुनिए कि राजनीतिक दलों ने इस पर क्या कुछ कहा है। भारतीय सामाजिक जो व्यवस्था है, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें किसी भी मांगलिक उत्सव में लोग अपने सभी मिलने वालों को, हितैषियों को, सबको आमंत्रित करते हैं। ये अवसर ऐसा होता है कि इसमें राजनीति से परे हट करके शादी विवाह और मांगलिक उत्सव को देखा जाना चाहिए। श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने अगर अपने बेटे की अरुण राजभर की शादी में माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है या अन्य लोगों को आमंत्रित किया है तो यह एक मांगलिक उत्सव है और ये जो आपसी संबंध है ये इस दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। हर कार्यक्रम को लेकर के राजनीतिक उसके एंगल तलाशना मुझे समीचीन नहीं लगता। यहाँ पर मामला ये है कि जब राजभर साहब ने बीजेपी छोड़ी थी तो उनके घर दूसरे बेटे की उनकी शादी होनी थी। वो एक साल से कह रहे थे कि एक सड़क बनवा दी जाए और भारतीय जनता पार्टी वो सड़क नहीं बनवा रही थी। सवाल ये है कि क्या वो सड़क बन गई है या नहीं बनी है, या जो वो आरोप पहले बीजेपी के ऊपर लगा रहे थे कि उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब वो उसी पार्टी में मंत्री थे, नेता और अधिकारी ये सब सुनते नहीं हैं, तो अब क्या वो सुनने लगे हैं? सवाल ये है कि जिस जाति की वो बात करते हैं, क्या उनकी जातिगत जनगणना की बात बीजेपी ने मान ली है? जो MLC चुनाव में वो जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देते हैं तो क्या वो विपक्ष में है या पक्ष में है? जो उनको 6-7 विधायक जीते हैं उनकी पार्टी के, वो मैंडेट उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिला है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने को मिला है। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो सीधा सीधा जो उनके विधायकों को जनादेश मिला है वो ये उस जनादेश का अनादर होगा, जिसका जवाब अगर उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में कोई भी चुनाव लड़ती है, जो कि लोकसभा आगामी चुनाव, उसमें जनता उनको खुद जवाब देगी। तो शादी के बंधन के बाद क्या ये राजनीतिक बंधन हो पाएगा भला? चर्चा इसी पर होगी। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, जैनेन्द्र प्रताप और क्वंशी प्रवक्ता है सुबह सपा से हमारे साथ जुड़े हुए। और क्वंशी साहब स्वागत करती हूँ आपका। शशिकांत तिवारी जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, सर आपका भी स्वागत। कपिल श्रीवास्तव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। और प्रभात त्रिपाठी जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी स्वागत करती हूँ। सर सुबह सपा का कितना बड़ा वोट बैंक है ये सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में, और राजभर वोट बैंक कितना बड़ा उत्तर प्रदेश में ये भी सभी को जानकारी है, लेकिन इसके इतर शादी के बहाने ये गठबंधन क्या हो पाएगा भला? और अगर होता है तो क्या रास आएगा उन दलों को जो बाकी घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के? देखिए पारुल जी, जिस तरीके से राजनीति में उतार चढ़ाव और चेहरे बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, कोई स्थायी ना उससे ना कोई स्थायी दुश्मन है। राजनीति में जब जिसका पलड़ा भारी वो वहीं पहुंच गया। सवाल इस बात का है कि ओम प्रकाश राजभर जिन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे और उसके बाद जो स्थितियां 2024 की, ये कोई राज्य का चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव में वो भारी मन से और बड़े अच्छे उससे वो समाजवादी पार्टी में गए थे और उन्होंने वहां पे अखिलेश के साथ बाकायदा कई रैलियां संबोधित की और जो उनका वोट बैंक था वो अखिलेश को ट्रांसफर हुआ और अखिलेश के विधायक जीते और वो स्वयं उनके विधायक जीते।
एक कुछ बेल्ट है जहां पे राजभर का एक अच्छा प्रभाव है और वो प्रभाव कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर ओम प्रकाश राजभर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो उनका एक टारगेट है वो लक्ष्य पूरा हो सकता है। अब ये संस्कारिक एक कार्यक्रम है, पारिवारिक कार्यक्रम है, परिवार में तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिससे हमारा व्यवहार होता है हम उसी को बुलाते हैं परिवार में जी। और कार्ड जिसको हम देंगे उसमें लोग आते हैं, लेकिन ये एक राजनीतिक एक इवेंट बन गया है जिसे कहते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री तो नहीं आ रहे हैं लेकिन हाँ योगी आदित्यनाथ सहित, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कई महीने पहले ब्रजेश पाठक के साथ ओम प्रकाश राजभर की जो पूरी लखनऊ छात्र संघ की एक पूरी पुरानी एक जो दोस्ती थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक साबित हो रही है। ब्रजेश पाठक पिछले विधान परिषद के चुनाव में भी आपको विक्ट्री साइन दिखाते हुए मिल गए होंगे और उन्होंने वोट भी किया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और उन्होंने चाय पे वो ले गए और चाय पे चर्चा हुई। तो जब चाय पे चर्चा होती है या शादी के गठबंधन में जब लोग आते हैं तो निश्चित तौर पर राजनीतिक बातचीत होती है और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो गठबंधन 2024 का हो रहा है लोकसभा चुनाव के लिए वो कहीं ना कहीं एक बड़े संकेत दे रहा है और इसमें कहीं विपक्षी पार्टी को ये सोचने का एक समाजवादी पार्टी के लिए है कि जो साथी आपके थे वो साथी क्यों छूट के जा रहे हैं, बिल्कुल क्यों, क्या कारण था, क्या उनको गाजीपुर सीट मिल रही है तोहफे में और वो लोकसभा जाना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन जनता जिसके साथ है वो उस दल का नेता, राजनीति और राजनेताओं में आशाओं आकांक्षाओं का बड़ा ही पहाड़ होता है, वो सब कुछ चाहते हैं और कहते हैं कि हमें कोई चाहत नहीं, लेकिन इस चाहत के क्या मायने होंगे अगर वो बीजेपी के पास जाते हैं तो ये बंधन क्या रंग लाएगा आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि हो रहा है पारुल जी, प्री पोल अलायंस राजभर का भाजपा के साथ होने जा रहा है ये तय है और कुछ जुलाई में इसकी घोषणा हो जाएगी शादी के बाद। अब जो जाएगा बहुत से लोग जाएंगे, छह सीटों पर आए सपा के साथ जब आए और उसके बाद न जाने क्यों सपा नहीं संभाल पाई या सपा के साथ वो नहीं रहना चाह रहे थे, वजहें कई सारी हैं, चर्चाएं उत्तर प्रदेश में इस मामले में कपिल साहब बहुत सारी हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर भारतीय अगर राजनीतिक एंगल से ही सोचे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं राजभर तो नुकसान तो आपको भी बड़ा होगा। देखिए पारुल जी एक बात हम कहते हैं जी कि नीति और विचारधारा ये दो बड़ी चीजें हैं। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए इनके नेता ने जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया है हम उनके साथ सहज नहीं हैं और हम पॉलिटिक्स को इस नजर से नहीं देखते कि स्वार्थ इसमें कितना किसका क्या है। और समाजवादी पार्टी हमेशा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए रही है, सत्ता परिवर्तन के माध्यम से ही व्यवस्था परिवर्तन होता है, लेकिन सिर्फ सत्ता हासिल की जाए ये कभी समाजवादी पार्टी का लक्ष्य नहीं है और ना रहा है, क्योंकि अगर रहा होता तो 2017 में जब हमारी सरकार गई तो हमने उस चीजों को लेके जो शुचिता का यज्ञ किया था शायद आज कोई भी राजनीतिक दल उसको करने के लिए तैयार है। अब मैं एक बात ये कहता हूँ कि देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अर्थवंशी साहब के माध्यम से मैं ओम प्रकाश राजभर साहब को और अरुण राजभर जी को उनके होने वाले जो विवाह है उसके लिए अरुण राजभर जी को बहुत बहुत बधाई हार्दिक देता हूँ। और ये जहां तक योगी आदित्यनाथ जी का या प्रधानमंत्री जी का जाना है तो राजभर साहब एक राजनेता है और इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी की कोई जो है वो खेत और मेड़ की लड़ाई, ये एक सामाजिक बंधन का एक समय है और जब वो अपने विवाह में किसी को पूछेंगे तो निश्चित रूप से लोग जाएंगे और इसको उसी एंगल से देखना चाहिए। लेकिन अखिलेश साहब ने इसको दूसरे एंगल से सर बताया ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम आपको एक बात शो की तरह से समझाने की कोशिश की नहीं, हमने तो आपको एक बात स्पष्ट रूप से कहा है कि जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो इनको स्पष्टीकरण देना। ठीक है सर, लौट के आ रही हूँ आपके पास, कुछ कनेक्शन ब्रेक हुआ है शायद उनके साथ हमारा, दोबारा हम वापस आ रहे हैं सर आपके पास, बाकी और मेहमान हैं उनके पास भी चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं और सुबह सपा से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए शशिकांत तिवारी जी। जी
ये कार्यक्रम है शादी का। जी सर, आपकी आवाज में, ये कार्यक्रम है शादी का और न्योता निमंत्रण बहुत आम सी बात होती है कि जो आपके खास हैं या जिन्हें आप पड़ोसी भी कहते हैं तो उन्हें आप आमंत्रण देते हैं, लेकिन इससे सियासी कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपसे ही टूटकर सपा में गए थे और दोबारा आपसे जुड़ना चाहते हैं। जाहिर है उनकी भी आशाएं कई हैं, लेकिन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें निषाद पार्टी भी अपना दल भी है, उनकी भी कम महत्वाकांक्षाएं राजनीति में नहीं है, और अगर वो आ जाएंगे तो भला कैसे संभाल पाएंगे? जी देखिए पारुल जी, इसमें दो एंगल है जी। एक तो हमारे भारतीय परंपरा में किसी के यहाँ शादी होती है तो वो सबको न्योता देता है, सबको बुलाता है, जैसा कि इसमें कोई गला शिकवा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि राजभर जी ने सभी को बुलाया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बुलाया है, इसके साथ साथ अन्य, जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि अन्य नेताओं को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है। तो बेटे की शादी में तो सबको उन्होंने बुलाया, तो शादी होना एक अलग बात है और पार्टी के साथ गठबंधन होना अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई आना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति में अगर उसको कोई रुचि है और उसको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आए, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला है, कोई भी कभी भी आ सकता है, कभी भी कोई ज्वाइन कर सकता है, कभी कोई गठबंधन कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति से अगर उसको है लगाव है और अगर उसको समझ में आता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से लगाव था, तभी तो आपके पास आए थे ना सर, और उसके बाद समिति बनाने के बाद, आयोग बनाने के बाद आपने नामों को बदला और उन्होंने रास्ता बदला, तो जब जिन्हें देख चुके हैं उनके उनका दोबारा हाथ थामेंगे क्या? नहीं, जो उनका देखिए, आपको याद होगा और उत्तर प्रदेश की जनता को भी याद होगा कि कभी भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति का विरोध नहीं किया, उसकी शिकायत नहीं करी। आपके निर्णय का विरोध किया, आपकी पार्टी आपकी सरकार के निर्णय का विरोध किया, उनके नहीं, उनके शिकायत जो थे कि डीएम नहीं सुन रहा है, गाजीपुर का डीएम नहीं सुन रहा है, हमारी बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कुछ इस तरह के उनके थे। भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति का कभी उन्होंने सर प्लीज कपिल जी बोल लेने दीजिए, प्लीज डिस्टर्बेंस, मुझे भी समझ में नहीं आता फिर वो क्या बोल रहे हैं, प्लीज। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं वापस आऊंगी, आप अपनी बारी पर कंप्लीट कर लीजिएगा। 2022 के विधानसभा का प्रचार ही नहीं देखा, प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट सर, मुझे नहीं समझ आता फिर आप लोग क्या बोल रहे हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट। शशिकांत जी कंप्लीट कर लीजिए सर जी। हाँ हाँ पारुल जी, ये बीच में बोल पड़े, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि कभी भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी रीति नीति का उन्होंने विरोध नहीं किया जब उन्होंने छोड़ा। हाँ, समाजवादी पार्टी को जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो समाजवादी पार्टी ने जो स्क्रिप्ट तैयार किया वो उन्होंने मंचों से बोला, लेकिन जब उनको आत्मज्ञान हुआ तब आज की तारीख में वो क्या बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। ठीक है, मैं पिछला वर्ग आयोग की बात कर रही थी सर, जिसमें उन्होंने समिति के सदस्यों के नाम भेजे थे और उसे आप लोगों ने बदला था, उसके बाद ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आया था, उनका आपसे नाराज होकर जाना, सपा से को ज्वाइन करना, फिर आपके खिलाफ चुनाव लड़ना, फिर आपके खिलाफ बोलना, और फिर अब शादी में निमंत्रण पधारी, ऐसा लौट रही हूँ सर आपके पास। सुबह सपा से हमारे साथ अर्कवंशी जी जुड़े हुए हैं। अर्कवंशी जी, निमंत्रण ठीक है, बुलावा भी ठीक है, गिले शिकवे अलग बात है, लेकिन जब नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने के लिए बड़े हाथ, बुजुर्गों के हाथ बड़े, तो वो सबसे बेहतरीन होता है, लेकिन उसके इतर इसे राजनीति से, सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है और 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको बुलावा आए या आपके लिए कहा जाए कि अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं तो आप ना जाएं। देखिए, राजनीतिक और जो वैचारिक मतभेद होते हैं वो अपनी जगह होते हैं, लेकिन जब किसी परिवार में शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है तो उसमें हमारी जो विचारधारा है उसमें सभी का वैसे भी स्वागत है, लेकिन जब घर परिवार में शादी ब्याह या कोई और फंक्शन, बच्चे का जन्म या कोई भी रीति रिवाज होते हैं तो उसमें सबको न्योता दिया जाता है, और हमने भी एक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक न्योता दिया है सभी को, चाहे विपक्षी हो, चाहे अपने साथ के हों, चाहे पुराने साथी हों, चाहे नए साथी रहे हों, चाहे उसमें भाजपा परिवार रहा हो, चाहे समाजवादी परिवार रहा हो, चाहे बहुजन समाजवादी परिवार रहा हो, कांग्रेस परिवार रहा हो, अपना दल रहा हो, सभी को हमने निमंत्रण दिया है और सभी लोग इस चीज को राजनीतिक नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी चीज ये समझनी चाहिए, ये थोड़े बहुत जो अखबारों में कुछ सुर्खियां छप गई हैं वो एक तरह से गलत है। अगर आपको याद होगा चाहे तेजस्वी यादव जी ज्यादातर दिखाई देना, उसके पीछे कौन सा पारिवारिक कार्यक्रम है सर?
देखिए ब्रजेश पाठक जी से आज से नहीं, उनकी माननीय दया शंकर जी से और माननीय ब्रजेश पाठक जी से दशकों पुरानी दोस्ती है, वो उसी को साथ लेके चल रहे हैं। और उससे ज्यादा आपको इसमें राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मेरे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी कई बार मीडिया को बता चुके हैं। दूसरी चीज, अगर वो जाते भी है उनके पास या मिलते भी हैं, तो बहुत सारे केसेज में ऐसा होता है कि 100 में से 90 बार वो जनता का जो उनके क्षेत्र है और हमारे जो विधायकों के क्षेत्र हैं वहां पर जो जनता की समस्याएं आती हैं उनको लेके मिलते हैं। और उसमें केवल ब्रजेश पाठक जी ही नहीं या माननीय दयाशंकर जी ही नहीं, वो सभी से, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना हो चाहे बाकी मंत्रियों से मिलना हो, सबसे मिलना जुलना लगा रहता है। जी यानी ये क्लियर कर रहे हैं आप कि अगर कोई बुलावा आता भी है तो फिलहाल हमारे तरफ से ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि हम तो अपने पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए सभी को ही आमंत्रित कर रहे हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल, इसमें कोई मतलब राजनीति की संभावना तलाशने की जरूरत ही नहीं है। आपकी पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है अगर बीजेपी से कहीं कोई जोड़ या बंधन होता भी है तो? नहीं, चुनावों में अभी 1 साल बचा हुआ है, 10 महीने 11 महीने बचे हुए हैं। राजभर साहब कह रहे हैं लेकिन कयास ही लगाए जा रहे हैं कि जो मेल मुलाकात का दौर हो रहा है या फिर आमंत्रण निमंत्रण पत्र जो कहीं और से भी आपकी तरफ भी आमंत्रण आ रहा है, ये आने वाले 2024 में कुछ और रंग लाएगा ऐसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, मेल मिलाप है, जो मेल मिलाप है वो एक दोस्ती वाला मेल मिलाप तो चलता ही रहता है सभी पार्टियों के बीच में। दूसरी चीज ये है कि हमारी विचारधारा और कार्य करने का तरीका बेशक एक अलग है और हमारा जो राजनीतिक सोच है वो अलग है, लेकिन ये नहीं है कि मन भेद नहीं है, मत भेद है विचारों को लेके, मन भेद नहीं है, तो वो मिलते जुलते रहते हैं। दूसरी चीज, चुनाव है वो 10-11 महीने 12 महीने बाद है, समझ गए। और अभी जो गठबंधन की संभावना है वो 2-3 महीने से पहले से शुरू। आपका कहना है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि 1 साल का समय है, और आप ये भी कह रहे हैं इंटरेस्टेड नहीं भी वाली बात को कबूल नहीं कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट भी है लेकिन फिलहाल हम 1 साल इंतजार करेंगे कि आने वाले समय में कहीं से हमें कोई अच्छा ऑफर मिल जाए, बड़ा ऑफर मिल जाए, या फिर क्योंकि अखिलेश जी तो फिलहाल आपको यस कह ही नहीं रहे हैं, आपकी तरफ रुख कर ही नहीं रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन बचता है बीजेपी। देखिए ऐसा नहीं होता है, अगर आपको पिछली बार भी जब हम भाजपा के साथ गए थे केवल 4 महीने पहले, जब समाजवादी पार्टी के साथ भी गए थे तो चुनावों से केवल 4-5 महीने पहले अक्टूबर 27 को गए थे और मार्च में चुनाव थे और घोषणा पहले ही हो गई थी। बीजेपी के खिलाफ ही था ना आपका मतलब एजेंडा? 1 साल पहले 2 साल पहले किसी के साथ आप चले गए? बीजेपी के खिलाफ ही था ना आपका एजेंडा उस वक्त? नहीं, जाहिर सी बात है अगर हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो जो विपक्ष में लड़ रहा है वो सबके खिलाफ होगा। उस समय बहुजन समाज पार्टी भी अलग से लड़ रही थी तो उसके खिलाफ भी था एजेंडा, कांग्रेस अलग लड़ रही थी उसके खिलाफ भी एजेंडा था। ऐसा तो नहीं होता है कि मैं अकेला लड़ रहा हूँ किसी एक पार्टी के खिलाफ एजेंडा है। समझ गए सर, सियासत ने ऐसी मजबूरियां ला दी हैं कि अब आने वाले समय पर देखना होगा कि ये आमंत्रण निमंत्रण कहां और कैसे फिट बैठता है। बहरहाल प्रभात त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रभात जी, मुलायम साहब के दौर के समय से हम देख रहे हैं कि अगर कोई खास कार्यक्रम हो तो राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर, किसी तरह की कोई वैचारिक मतभेद भुलाकर एक कार्यक्रम अपने ही अलग तरीके के होते हैं जिसमें सब ऐसे मिलते हैं कि आप पारिवारिक रिश्ते हों, दोस्ताना हो, लेकिन आज के इस दौर में वो भी परंपरा कुछ टूटती हुई दिख रही है। देखिए पारुल जी, मैं ये कहना चाहता था कि ये पारिवारिक कार्यक्रम में अगर कोई राजनीति पुट होता है तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक ही इवेंट कहा जाएगा। मैं आपसे बताना चाहूंगा, कुछ मौसम वैज्ञानिक है हमारे उत्तर प्रदेश में जो भाप लेते हैं किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार बनेगी। नरेश अग्रवाल जैसे एक बड़े नेता है जो मौसम वैज्ञानिक है, उसी तरह राजभर भी है। राजभर जानते हैं कि भाई 2027 तक यूपी की सरकार चलेगी और जो लड़की आ रही है जो जिसके संग शादी हो सकता है वो भागशाली हो कि उनका लड़का मंत्रिमंडल में शामिल भी हो जाए और गाजीपुर की सीट मिल जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना ओम प्रकाश राजभर के लिए फायदेमंद है। आपने तो शादी के पहले और बाद की कुंडली निकाल दी सर। नहीं, मैं टोकना चाहूंगा, घर में जो भी स्त्री आती है शादी करके एक लक्ष्मी का स्वरूप होती है, कम से कम उसे राजनीति में मत जाती है। लक्ष्मी का स्वरूप क्या है? आपके आपके लिए अगर अच्छी थोड़ा मर्यादा रखिए और थोड़ा मर्यादा पूर्वक आचरण करिए। इसमें गलत नहीं जितेंद्र जी, उसे गलत तरीके से मत लीजिए, आप उसे गलत तरीके से बिल्कुल मत लीजिए। सब भाग्यवती होती है, कहा कि आपके आप करके आती है, अरुण जी के भाग्य कोई बदलने वाली आ रही है, आप उसको राजनीति से मत जोड़िए। नहीं नहीं, उसे गलत भी मत लीजिए, मेरा ये कहना है कि शादी ब्याह को राजनीति से मत जोड़िए। कल को अगर
एक साल बाद जब बच्चा होगा तो आप उसको भी राजनीति से ऐसे जोड़ने लगेंगे किसी के भी। आप बताइए क्या अखिलेश जी की शादी में प्रधानमंत्री जी नहीं गए थे, तेजस्वी यादव जी की तेज प्रताप यादव जी की शादी में नहीं गए थे? आप बताइए जब बहन जी के समय न खराब करते हुए बारी बारी से बात करें त्रिपाठी जी, जी कंप्लीट कर लीजिए जल्दी। 2022 में जब उन्होंने पाला बदला था और इसी भाजपा को बहुत उल्टी सीधी कहके नेतृत्व को वो अखिलेश के पास गए थे, उनको ये लग रहा था कि अखिलेश की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ऐसी जगह अखिलेश के साथ रहे। आज वो इतनी जल्दी क्या हुआ कि गठबंधन टूट गया? अरे भाई राजनीति में ये होता है, मैं बता रहा हूँ, मौसम वैज्ञानिक होते हैं कुछ जो लगातार सत्ता के साथ जहां दम वहां हम के साथ चलने वाले कुछ दल जो जहां पलड़ा भारी देखते हैं शायद वहां जाने की कोशिश करते हैं। इसमें मेरा बिल्कुल भी ताल्लुक राजभर साहब से नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ये राजनीति में कहा जाता है। मैं लौट रही हूँ, लेकिन शशिकांत जी एक जो बात मैंने अपने सवाल में कही कि क्या जो बाकी दल हैं आपके जिनमें निषाद है अपना दल है, क्या अगर ये जोड़ बनता है तो ये बर्दाश्त कर पाएंगे, निराश आएगा ये जोड़? नहीं बिल्कुल, देखिए जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है तो गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी निभा रही है और उनको पूरा तवज्जो दिया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है, उस प्रकार से प्रदेश की और देश की सरकार में उनकी सहभागिता है, भागीदारी है। और कल को कोई भी पार्टी आती है, चाहे वो कोई भी हो, तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पार्टी आती है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के पास कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके नेतृत्व में काम करेंगे, हम आपसे गठबंधन करना चाहते हैं, हम आपके नीतियों से प्रभावित हैं, तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, वो नेतृत्व निर्णय करेगा भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है। लेकिन जो राजभर आपके साथ पहले भी रहे, अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे कई बातें उल्टी सीधी आपकी पार्टी के बारे में कहकर फिर पार्टी से निकले, आज वो फिर से दोबारा अगर आपके सामने हैं और आपको लगता है कि वो आपके साथ जुड़ना चाहते, दोबारा वो कह रहे हैं कि आपके विचारधारा अपनाएंगे, आपकी पार्टी से आपकी नीति से जुड़ेंगे, और क्या उन चीज़ों को उन तमाम चीज़ों को जो पहले हुई आयोग के नाम पर उस चीज़ को आप दरकिनार करते हुए राजभर साहब को अपनी पार्टी ज्वाइन कराएंगे? नहीं, पार्टी ज्वाइन कराना तो देखिए पारुल जी, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है, कोई एक व्यक्ति नहीं तय करता है। गठबंधन की बात या दलों के जुड़ने की बात आ रही है शीर्ष नेतृत्व, जब गठबंधन करने की बात आएगी तो इन सारी बातों पे विचार होगा, और कोई आकर के ये कहे कि भाई हमसे तो गलती हो गई और हम आपके नेतृत्व में हम काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं त्रिपाठी जी आपसे वर्जन लूंगी, कपिल जिसके बाद आपके पास आ रही हूँ। त्रिपाठी जी, बाकी जो दल है वो क्या इस समय बर्दाश्त कर पाएंगे ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी से जुड़ना या गठबंधन में आना? देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करे कि उनको साफ छुचुदर या गाली देने वाले लोग अगर फिर पार्टी में आते हैं सत्ता की लालसा के लिए, तो वो उनके लिए कितना फायदेमंद रहेगा। अगर सीट आज दो चार सीटें आप प्रभाव में देख रहे हैं लोकसभा की, उसके लिए आप ला रहे हैं तो अपना ये स्वागत है, हमारा इसमें कोई अधिकार नहीं है। मैं राजनीति है, राजनीति में अप एंड डाउन्स के साथ सपा को क्या नुकसान होगा? नहीं पारुल जी, राजनीति में एक आइडियोलॉजी भी होनी चाहिए, जनता आपको चुनती है, ये जनता के साथ धोखा होता है। आजकल ये राजनेता कहाँ आइडियोलॉजी को फोकस करते हैं, कब कौन किस पाले में चला जाए, कब कौन किसके किसके गाने गाने लगे, कुछ नहीं कहा जा सकता सर। ऐसे में सर कितना 2024 किसको घाटा किसको फायदा? त्रिपाठी जी छोटा सा वर्जन इस पर आपका। मैं कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, इसलिए वो पाठक जी उनको लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे हैं, ठीक है। और उनको 27 दिख रहा है और 24 दिख रहा है, ठीक है। बस इतना मेरा कहना है, हाँ, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कपिल जी देखिए पारुल जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपका टॉपिक है उसमें मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि देखिए वैवाहिक जहां पर स्थितियां हैं वहां पे तो कोई भी पार्टी को जिसको न्योता देंगे और जो उन रिश्तों को निभाना चाहेगा बिल्कुल जाएगा, और ये बहुत सामाजिक तौर पर है, हम लोगों के यहाँ भी अगर होता है सारे दल के हमारे नेता आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हम लोग की कोई खेत मेड़ की लड़ाई नहीं है, हम लोग की जो भी लड़ाई है वो विचारधारा और नीतियों की लड़ाई है। और बात रह गई कौन क्या, जैसे शशिकांत भाई ने कहा, दो बातें उनकी बातों से स्पष्ट हो गई, एक तो ये कि जब राजभर साहब हमारे पार्टी के साथ लड़ रहे थे और मंचों से भाषण दिया करते थे तो वो हमारे लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, एक तो उन्होंने ये कहा इनके लिए, और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि अगर ये माफी मांगेंगे कि भाई हमसे गलती हो गई थी तो हम लोग माफ कर देंगे और फिर विचार किया जाएगा। तो बाकी अब
जैनेन्द्र भाई वो उनका अपना दोनों लोगों का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का मामला है वो ये है कि हमारे हम तो जब चार बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए तो भी बहुजन समाजवादी पार्टी और इन सारे लोगों से लड़ करके ही बनाए थे, चाहे वो कांग्रेस के ही विरुद्ध क्यों ना हो। तो समाजवादी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी नैतिकता और विचारधारा से समझौता और नीतियों से नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपने एक बात कही थी कपिल साहब, जिसमें आपने स्वार्थ की बात कही थी, तो स्वार्थ कपिल साहब का था या आपको लगा कि अखिलेश यादव की रिस्पेक्ट नहीं है उसमें, या पार्टी के लिए वो फायदेमंद साबित नहीं हो रहे थे? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर साहब चाहते थे कि हम लोग सत्ता में आवे, उन्होंने हमारे साथ मेहनत की थी, हम इस बात को इनकार थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सत्ता में नहीं आ सके, उन्होंने इसी कैबिनेट से निकलने की बात कही थी जिसके बाद अखिलेश जी और आपकी पार्टी नाराज हो गए थे। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने मेहनत की, साथ में मेहनत की, और उसके बाद जब परिणाम आया, उससे पहले तो इन्होंने इस तरह की कोई बात की नहीं थी, लेकिन जब परिणाम आया तो आपने देखा कि 210 सीटें ऐसी थी जहां महज हम 200 वोट से 1000 वोट से ठीक है, जब तक वो मेहनत कर रहे थे तब तक वो भले थे, लेकिन जब वो मेहनत करने के लिए कह रहे थे तब थोड़ी सी दिक्कत हो गई। पर आज समय मुझे इजाजत नहीं देता, माफी के साथ मुझे आप लोगों से इजाजत नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े। तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे की है शादी, सभी को मिला है निमंत्रण, कौन आएगा कौन नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन राजनीतिक लिहाज से इस शादी को देखा जा रहा है और इसे इवेंट भी कहा जा रहा है, शो भी कहा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बधाई दी है और तमाम जगहों से बधाई तो मिल रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि क्या फिर होंगे राजभर बीजेपी के। दीजिए इजाजत, नमस्कार।